नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई एम बैक विथ अनदर वीडियो एंड आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू गेट रिड ऑफ पिंपल्स एंड एक्ने। सो विदाउट मच डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेनली आज की वीडियो टीन एजर्स के लिए है क्योंकि 15 से लेके 18 या फिर 19 तक आप लोगों को पिंपल्स आना बहुत ही ज्यादा कॉमन सी बात है एंड सब लोगों को पिंपल्स आते हैं। तो इस बात को ना बहुत ही ज्यादा आप लोग दिमाग में मत लेना कि हाँ मुझे पिंपल्स हैं एंड बाकियों की स्किन कितनी फ्लॉलेस है। ऐसा नहीं होता। जब मैं 15 इयर्स की थी, मुझे आप बिलीव भी नहीं करोगे, मेरा पूरा फेस कभी दिखता ही नहीं था क्योंकि मेरे फेस पे पूरे पिंपल्स ही भरे पड़े थे। आई विश कि मेरे पास कोई फोटो होती, बट उस टाइम पे हमारे पास इतना ज्यादा कुछ मोबाइल्स वगैरह थे ही नहीं। तो यस, और उतना ज्यादा हमारे घर में हमको मोबाइल इंट्रोड्यूस भी नहीं किया गया था। सो यस, मेरे पास कोई फोटो नहीं है उस टाइम की, बट मैं आप लोगों को ये जो बात बता रही हूँ ऑनेस्टली सच्ची बात बता रही हूँ। मेरे फेस पे जब मैं 15 इयर्स की थी ना, तभी मुझे पिंपल्स आने स्टार्ट हो गए थे। उस टाइम पे हिमालय फेस वॉश ना बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा था एंड उसके अलावा कोई फेस वॉश उतना ज्यादा था ही नहीं उस टाइम पे, एंड वो भी लगा लिया बट उससे मुझे और भी ज्यादा पिंपल्स आ गए थे। और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स भी मैंने ट्राई किए थे, डर्मेटोलॉजिस्ट से भी मैंने सलाह ली थी तो उन्होंने मुझे वो क्रीम्स दी थी, कुछ मेडिसिन दी थी, बट उससे भी कुछ नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बात कहूंगी कि अगर आप लोग स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हो तो आपको ना वो जो क्रीम या फिर कोई फेस वॉश सजेस्ट करेंगे ना, तो आप लोग वो यूज जरूर करना, बट दवाइयों के ऊपर उतना ज्यादा आप लोग प्लीज डिपेंड मत रहना। सो यही बात मुझे सबसे पहली आप लोगों को बतानी थी कि मेडिसिन आप पिंपल्स के लिए या फिर स्किन की कोई प्रॉब्लम के लिए ना प्लीज आप लोग कंज्यूम मत करना, ठीक है। एंड टीन एज में आपको पिंपल्स आते भी हैं एंड टाइम के साथ ना वो खुद ही कम हो जाते हैं। तो इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को ये बिल्कुल नहीं बता रही हूँ कि आप लोगों को कौन सी क्रीम, कौन सा प्रोडक्ट ये वो लगाना है, मैं नहीं बता रही हूँ। आप लोगों की स्किन अभी अभी जो है ना वो अभी अभी उसकी ग्रोथ होती है, ठीक है। अभी अभी आप लोग अपनी स्किन को ना स्किन केयर से इंट्रोड्यूस कराना या फिर मेकअप से इंट्रोड्यूस कराना अभी से ही आप लोग स्टार्ट करते हो, तो अभी से ही ना बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स अपने स्किन पे लगाने की आपको जरूरत नहीं होती है। घर की ही रेमेडीज होती है छोटी मोटी सी जो आप लोग करके अपने पिंपल्स को कम कर सकते हैं। आप लोगों को बाहर के प्रोडक्ट्स आपके फेस को अभी ही इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं होती है, वो सब चीजें आप लोग आफ्टर 20 ही करना, यही मैं आप लोगों को सजेशन दे सकती हूँ। बाकी तो आप लोगों की मर्जी होती है ऑफकोर्स। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि ट्वाइस अ डे तो आप लोगों को आपका फेस अच्छे से वॉश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी कभार क्या होता है कि जो सोप आप लोग यूज कर रहे हो ना, जो बॉडी सोप रेगुलर आप लोग यूज करते हो ना, उसका पीएच लेवल ना बहुत ज्यादा होता है, तो वो इसीलिए ना आपकी स्किन को कभी कभार सूट नहीं होता। इसीलिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि कोई तो अच्छा सा एक क्लेंजर देख सकते हैं जो कि आपकी स्किन टाइप को सूट हो। तो ये आप लोगों को कैसे पता चलेगा? तो आप लोग डर्मेटोलॉजिस्ट से भी एक बार अपनी बात कर सकते हैं, तो वो जो सजेस्ट करेंगे ना क्लेंजर, तो आप लोग वो यूज कर सकते हैं। कभी भी सबसे पहले आप लोग अपना फेस वॉश मत करना। आप लोग जब भी स्कूल जा रहे हो या फिर अभी आप कॉलेज जा रहे हो ना, तो आप लोग सबसे पहले कॉम करना, अपने बाल बना लेना, उसके बाद आप लोग फेस को वॉश करके आपको जो भी क्रीम या फिर पाउडर आपको लगाना है वो आप लोग लगा सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोगों के बालों की जो भी डर्ट होती है या फिर डैंड्रफ होता है ना, वो आप लोगों के फेस के ऊपर जब गिरता है तो इससे भी आप लोगों को पिंपल्स हो सकते हैं। द नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज अवॉइड टचिंग योर पिंपल्स। हमको ये हैबिट होती ही है, जब भी हमको पिंपल आता है तो हम लोग उसको ऐसे पॉप करना या फिर ऐसे स्क्वीज करना या फिर हमेशा मतलब कम हुआ है या बड़ा है ऐसे टच करना, मतलब हमारे वो दिमाग में नहीं होता कि हम लोगों को ऐसे देखना है, बट वो हमेशा ना ऐसे जब हम बैठे हुए होते हैं वो हमारा हाथ ना ऐसे जाता ही है पिंपल के ऊपर, तो वो आप लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा एंड इस चीज़ को आप लोगों को अवॉइड करना ही करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों के पिंपल्स बढ़ेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, एक तो एक यहाँ पे जो पिंपल है तो यहाँ का जो डर्ट है ना वो दूसरी जगह पे आ जाएगा, ऊपर से आपके हाथों में भी डर्ट होती है या फिर बैक्टीरियाज जो होते हैं ना वो स्प्रेड हो जाएंगे एंड आपके पिंपल्स बढ़ेंगे।
नेक्स्ट टिप मैं आप लोगों को बताऊंगी, दैट इज कि कभी भी आप लोग कोई भी क्रीम लगा रहे हो या फिर कुछ भी अप्लाई कर रहे हो पिंपल कम करने के लिए, तो आप लोगों को अपने हाथ से नहीं लगाना है, क्योंकि आप लोग हाथ से वो क्रीम लगाओगे तो वो पिंपल्स आपके स्प्रेड होंगे एंड आपकी पिंपल्स की प्रॉब्लम और बढ़ेगी। भले ही आप लोग कोई भी अच्छा सा अच्छा प्रोडक्ट लाओ और लगा लो, बट आप लोग हाथ से अगर लगाओगे ना तो डेफिनेटली वो स्प्रेड होगा एंड इस पिंपल का बैक्टीरिया अलग जगह पे जाएगा एंड भरेगा ही ना आप लोगों का फेस पूरा पिंपल्स। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को लेना है कॉटन एंड कॉटन से आप लोगों को सिर्फ वहां पे आप लोगों को ऐसे डैप डैप करना है, ठीक है। एंड जैसे ही आप लोग वो कॉटन एक पिंपल के ऊपर लगाते हो ना, तो आप लोगों को वो रीयूज नहीं करना है, उसको फेंक के आप लोग दूसरी जगह पे दूसरा कॉटन आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज कीप योर स्किन हाइड्रेटेड। अब स्किन को हाइड्रेटेड रखने के लिए आप लोगों को क्या करना है, पानी पीना है, ठीक है। पानी पीना है मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना इतना लीटर आपको दिन में पानी पीना है, बट आई टेल यू ये सबके लिए ना फिक्स नहीं है कि आप लोगों को इतना ही लीटर पानी पीना है। हर एक पर्सन की हेल्थ या फिर हर एक पर्सन की जो बॉडी होती है ना वो डिफरेंट होती है। बस मैं यही कहूंगी कि आप लोगों को ज्यादा पानी जरूर पीना चाहिए, बट आप लोगों की बॉडी जितना चाहती है ना पानी, आप लोगों को उतना कंज्यूम करना है, ठीक है। मैं आप लोगों को कहूंगी कि आप लोग एक एक घंटे में एक एक ग्लास पानी आप लोग पी सकते हैं, बट द पॉइंट इज कि आप लोगों को आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, क्योंकि इससे क्या होता है ना आपकी बॉडी में न्यू स्किन सेल्स जो होते हैं ना वो डेवलप होते हैं एंड आपका ब्लड भी प्रॉपरली प्यूरिफाइड रहता है। देन नेक्स्ट रीजन ये भी हो सकता है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो, लैक ऑफ स्लीप, बहुत ज्यादा टेंशन, स्ट्रेस, एग्जाम का स्ट्रेस, तो इन सभी चीजों की वजह से भी आप लोगों के स्किन के ऊपर ये इफेक्ट करता है। तो इसीलिए स्ट्रेस कम करो, आराम से पढ़ाई करो एंड लाइफ एंजॉय करो। वो कोई एज नहीं होती कि आप लोग इतना ज्यादा स्ट्रेस अपने सर के ऊपर लेके बैठो। सिंपल सी टिप मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोग ले सकते हैं एलोवेरा, आप लोग अपने फेस पे मसाज कर सकते हैं, तो इससे आपके फेस पे जो भी पिंपल्स है, रैशेज है, रेडनेस है, ये भी कम करेगा, ठीक है। उसी तरीके से सिंपल सी चीज मैं आप लोगों को बताऊंगी जो मैं बचपन से फॉलो करती हूँ, आप लोग कोकोनट ऑयल ले लो एंड सिंपली उससे आप लोग मसाज करना, तो ये भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है आप लोगों की स्किन को ग्लोइंग या फिर क्लियर रखने के लिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग टी ट्री ऑयल भी यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपके स्किन में जो भी डर्ट, बैक्टीरिया है या फिर डेड स्किन सेल्स है ना, इसको कम करने में हेल्प करता है एंड आपकी स्किन को एक क्लियर स्किन बनाने में हेल्प करता है। तो आप लोग टी ट्री ऑयल भी यूज कर सकते हैं, एलोवेरा भी यूज कर सकते हैं या फिर आप लोग कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं। और आप लोग चाहे तो आप लोग बेसन प्लस हल्दी भी मिक्स करके वो भी आप लोग अपने फेस पे लगा सकते हैं एंड आप लोग 15 मिनट्स के लिए रख के आप लोग वॉश भी कर सकते हैं। बट आप लोगों को हल्दी जो है ना, जो मार्केट में पैकेट्स में मिलते हैं ना, वो आप लोगों को यूज नहीं करनी होती। जो ओरिजिनल जो हल्दी का वो, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, उसको हम लोग मराठी में बोलते हैं हरकुंड, उसका जो हल्दी होता है ना वो ही आप लोगों को, कच्ची हल्दी जो होती है ना इन शॉर्ट, वो आप लोगों को यूज करनी होती है। एंड कभी कभार क्या होता है ना कि आप लोगों की स्किन अभी तक मैच्योर नहीं हुई होती है, तो इसीलिए अगर आप लोग हल्दी यूज करोगे ना तो और ज्यादा आप लोगों के स्किन में पिंपल्स हो सकते हैं। बेसन इज गुड, बट हल्दी कभी कभार ना कुछ लोगों को सूट नहीं होती है, तो इसीलिए थोड़ा सा आप लोग हल्दी की क्वांटिटी थोड़ी सी आप लोग डाल सकते हैं, एक पिंच, एंड बेसन तो अच्छा होता है तो आप लोग वैसे भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड दैट्स इट, यही टिप्स आप लोगों को फॉलो करने हैं एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।